इंस्ट्रूमेंट औजार तैयार किए हैं, जो कि एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो का साइंटिस्ट है उसके लिए भी मुश्किल होती है। सुमलता, ये सुमलता जी हैं जिन्होंने इस किसान गैलरी का उद्घाटन किया है। हमारे हिमाचल प्रदेश की महिलाएं सबसे अग्रणी हैं, महिलाओं को आप हर क्षेत्र में देख सकते हैं, हिमाचल भी किसी से पीछे नहीं। मैं लाहौल स्पीति में 5 वर्ष रहा हूं और मैंने महिलाओं को काम करते देखा है। महिलाएं सबसे ज़्यादा काम खेतों में भी करती हैं, घर में भी करती हैं। अगर मुझसे पूछा जाए सबसे तनख्वाह ज़्यादा किसको दी जाए, इन महिलाओं को दी जाए जो घर का भी काम करती हैं और खेतों का भी काम करती हैं। तो ये हमारे जितनी भी महिलाएं आई हैं, हमने तो ज़्यादा सोचा था लेकिन किसी वजह से वो पहुंच नहीं पाई। तो इन महिलाओं में सबसे प्रबुद्ध यही हैं जो उम्र दराज हैं, सबसे उम्र में ज़्यादा ये हैं, तो हमने उद्घाटन इनसे करा। ये श्रेय जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश की महिला किसान को जाता है। उत्पादन कर सालाना 6 लाख रुपये अर्जित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो उपलब्धियाँ हैं। अगले चंद्रकांत, ये कांगड़ा से चंद्रकांत, चंद्रकांत जी हैं, ये एनिमल हस्बेंड्री में पोल्ट्री में इनका बड़ा योगदान है। प्राकृतिक खेती का एक उदाहरण इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। अभी इनके खेत में जाना बाकी है, आपके खेत में आएंगे। इनकी आमदनी है सालाना, और ये इनका सेब का बगीचा भी है, उसके बीच में इंटरकल्चर कैसे करना है वो भी इनका जो है एक बहुत एक एग्जांपल इन्होंने वहाँ दिया है उस एरिया में। साइंटिफिकली ये काम कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से, कि इसका मैं कोई सानी नहीं, इनसे दूसरों को भी सीखना चाहिए। यहाँ दिनेश चंद को उत्कृष्ट किसान सम्मान, नेशनल प्रगतिशील किसान व अन्य 32 पुरस्कारों से विभिन्न संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। ये जिन्होंने जिमीकंद, जो कि बिलासपुर का एक पहचान है जिमीकंद, उसको ये आगे लाए। जिमीकंद को लोग भूल चुके हैं, मैं समझता हूँ कई लोगों ने तो जिमीकंद को चखा भी नहीं होगा। जिमीकंद एक ऐसा रूट क्रॉप है जिसका की गुणवत्ता जो खाने वाले हैं वो जानते हैं। और हम इस बिलासपुर की एक वैली को जो है वो जिमीकंद वैली के नाम से इसको घोषणा करेंगे। बहुत अच्छा, बधाई हो आर पोषण की आपको। अजय रतन, श्री अजय रतन जी ये 25 बीघा जमीन में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आपको शायद मालूम ना हो, अगर किसी ने फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO की रिपोर्ट पढ़ी हो तो एशिया से पीछे, पूरे एशिया से इनका रिपोर्ट जो है वो FAO की पब्लिकेशन में छपा था। अब आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय किस दिशा में अग्रसर है, जहां FAO की रिपोर्ट के अंदर भी जो है हमारे किसानों का नाम जो है लिया जा रहा है। और 25 बीघा में प्राकृतिक खेती करना और दूसरे लोगों को सजग करना, वो जीवामृत और वो दूसरी चीज़ें जो ये बनाते हैं जो उसके लिए चाहिए, ये लोगों को देते भी बांटते भी। इनका बाबा बालकनाथ स्वयं सहायता समूह ये चलाती हैं और होम साइंस से जुड़ी हैं। 40,000 रुपये प्रति महीना कमा, 40,000 रुपये प्रति माह ये जो है इनकी आमदनी है। 15 से 20 शर्मा जो है ये हर मन में है। और मैं आपको यहाँ बताऊँ कि 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री प्रेम कुमार धूमल जी, उन्होंने और उनकी सरकार ने जब प्रेरणा स्रोत सम्मान पुरस्कार से 15 अगस्त 2009 को फतेहपुर में कुछ लोगों को सम्मानित करना था, और पहली बार ये घोषणा हुई थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो कि एक सिविलियन अवार्ड, सर्वोपरि सिविलियन अवार्ड है, उसमें श्री हरिमन शर्मा जी, गंबरी देवी जो बिलासपुर की एक बहुत मशहूर गायिका रही हैं, सिरमौर के एक NGO जिन्होंने 32 गांवों को नीचे से ग्राउंड से वाटर जो है वो हिल टॉप पर पहुंचाया था, और मुझे भी वो अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने इनके साथ वो स्टेज साझा किया है। ये हमारे तब से मित्र बने हैं। मैं इनके बगीचे में 3 बार गया, 2 बार पहले जब मैं प्रोफेसर था और 1 बार जब मैं वाइस चांसलर बना तब गए। इनको मैं क्या कहूँ,
33 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 15 राष्ट्रीय और 10 राज्य स्तरीय और 6 जिला स्तरीय पुरस्कार। इन्होंने पुरस्कारों की झड़ी लगा रखी है। अब इनका नाम जो है वो जगजीवन राम अभिनव पुरस्कार के लिए जो है यहाँ से भेजा जाता है। पूर्ण राज्योत्सव का स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह की सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आयोजित आज के समारोह में के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति चौधरी शर्वण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी जी, मंच पर आसीन कुल सचिव श्री पंकज शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं, अधिष्ठाता पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय डॉक्टर मनदीप शर्मा जी, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। हम सभी उस अलौकिक शक्ति अदृश्य शक्ति को याद करें और धन्यवाद करें कि हमें ये सुंदर जीवन मिला है और आज का ये ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन स्वर्ण जयंती पूर्ण राज्यत्व दिवस का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कृषि विश्वविद्यालय के समस्त संवैधानिक अधिकारीगण, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त शिक्षकगण का भी इस समारोह में शामिल होने के लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है, एक गौरव का विषय है कि आज हिमाचल 50 वर्ष पूरे किए, ये एक स्वर्ण जयंती समारोह है पूर्ण राज्यत्व का और हमारे माननीय कुलपति महोदय के पहल से हमारे उत्कृष्ट, हमारे प्रेरणा स्रोत कृषि दूत जो हैं वो हमारे बीच में हैं। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से वो अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज के इस दिन हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। अपने कामकाज को छोड़ करके मैं उनका तहे दिल से इस विश्वविद्यालय की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्राकृतिक खेती व लघु आटा चक्की और इसी उपलक्ष्य में हम उनको एक टोपी और मफलर भेंट करके उनको आज इस स्वर्ण मौके पर उनको सम्मानित करते हैं। इनकी सालाना आय लगभग 2,50,000 रुपये है और ये इनके अच्छे उत्पादन करती हैं। शुरुआत में इन्होंने एक छोटे से कमरे से फल सब्जियों के मूल्य वर्धन का काम आरंभ किया था, लेकिन आज ये इनकी जो उत्पादन की बिक्री है 50-60% तक बढ़ गई है और इनका मुंह की मासिक आय लगभग 40 वर्ष है। हम इनका सम्मान करते हैं। मेरे भैंसे हैं जिनसे औसतन 150 लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन हो रहा है,
मैं अपने फार्म का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से करते हुए लगभग 80,000 रुपये शुद्ध लाभ प्रति माह कमा रहे हैं और आज के दिन हम उनका सम्मान करते हैं। आकर्षण प्राप्त किया और पिछले 4 सालों से अपने 2 हेक्टेयर फार्म पर सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर रही हैं और ये लगभग 2 लाख शुद्ध शुरू किया और जो है वर्तमान में प्रतिदिन 150 से 200 किलो गेहूं उत्पादन कर 15 से 20 लाख रुपये आय अर्जित कर रहे हैं। हम इस मौके पर इनको सम्मानित करते हैं। तारामन 99 के नाम से प्रसिद्ध है। ये किस्म कम ठंड में भी फूल देती है और अच्छा फल तैयार होता है और ये बहुत से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से इसका परीक्षण हुआ और ये 15 राष्ट्रीय 10 राज्य स्तरीय और 6 जिला बड़ी आकार की आदि बनाकर आत्मनिर्भरता का उदाहरण स्थापित किया है। इन्होंने उद्यम में लगभग 25 क्विंटल कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण का कार्य जिला सिरमौर है और ये 7 बीघा में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती प्रतिदिन अपनाकर सब्जियां, अनाज, दालें, तिलहन व चारा उगाते हैं और ये और ये गांव बटाकर सुगुरू तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा से संबंध रखते हैं। 105 वर्ग मीटर पोली हाउस व 5 पोली टनल से सुरेश कुमार जी ने कई सब्जियों का उत्पादन कर जो है वो वर्ष भर पौधरोपण खेतों में अनाज की उपज लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर व सब्जियों की अच्छी पैदावार होती है। उनकी आमदनी 1 लाख रुपये तक जो है वो हो जाती है। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस की 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती वर्षगांठ के समारोह के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता और अपने मंच पे विराजमान आदरणीय कुलपति श्री हरिंदर कुमार चौधरी जी, मंच पे उपस्थित वरिष्ठ संवैधानिक अधिकारी श्री मनदीप शर्मा जी, अपने इस प्रांत से आए उत्कृष्ट कृषि दूत, सभी संवैधानिक अधिकारी इस सभागार में उपस्थित, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, अध्यापक वर्ग और अपना कर्मचारी वर्ग, और साथ में उपस्थित मीडिया से आए मीडिया बंधु, आज का ये दिवस हम सभी हिमाचल वासियों के लिए एक गौरवान्वित करने वाला एक दिवस है। हिमाचल प्रदेश का सृजन तो वैसे 15 अप्रैल 1948 से शुरू होता है, जब 30 छोटी सी रियासतों को मिला के इस हिमाचल प्रदेश जो अभी वर्तमान स्वरूप में जो हम लोग राज्य देख रहे हैं, इसका सृजन वहां से उन 30 छोटी सी रियासतों से होता है। 1952 के बाद बिलासपुर की जो स्टेट थी वो
हिमाचल प्रदेश में मिली। 1963 में इसे सी कैटेगरी के राज्य का दर्जा दिया गया और उसके पश्चात 1966 में हम लोग यूनियन टेरिटरी के रूप में यानी वर्क है भारत में। आप लोग इसको भली भांति से परिचित हैं कि शिक्षा के माध्यम से हम लोग समाज का परिवर्तन कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय हम लोगों ने भी लगभग 42 वर्ष का जो समय है इस विश्वविद्यालय को यहां पे अभी पूर्ण रूप से हुआ है। अगर इसको कॉलेज के तौर पे देखें तो लगभग हम लोग 56 वर्ष के आसपास कृषि विश्वविद्यालय जो कृषि कॉलेज यहाँ पे जो 1966 में स्थापित हुआ था उसमें हम लोग 56 वर्ष के आसपास हम लोग उसमें आगे बढ़े हैं। तो ये अपने पास भी एक अवसर है, हम सभी के पास अवसर है कि हम आज के इस दिवस के ऊपर आत्मावलोकन करें और देखें कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स क्या होने चाहिए, क्या जो टारगेट्स हम लोगों ने उस समय सोचे थे जो हमारा दृष्टिकोण उस समय था, क्या उस दृष्टिकोण तक हम पहुंचे हैं, उसको हमने अचीव किया है कि नहीं। कि उन्होंने हमें इतना ज्यादा सहयोग दिया क्योंकि पहले हम जो थे सिर्फ दो फसलें ही अपने खेतों में उगाया करते थे, मक्की और गेहूं की। फिर जब हम उसे कहते कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में जब मैं आई तो उन्होंने हमें और जैसे चने की फसल है, माश है, इन फसलों को लगाने की सलाह दी, सरसों की लगाने की सलाह दी। और मैं 5-6 साल से प्राकृतिक खेती कर रही हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया कि जो बेसहारा गायें सड़कों पे घूमती थी हमने उनमें से 2 गायों को अब अडॉप्ट किया। उपस्थित भाइयों को प्रणाम। मैं हरिमन शर्मा, बिलासपुर, जिला हिमाचल प्रदेश, गांव पनियाला का रहने वाला हूँ। मैंने 2007 से सेब 1999 से सेब पे रिसर्च शुरू की थी क्योंकि आम पर अत्यधिक मात्रा में कोहरा पड़ता था, उसको विकल्प के रूप में मैंने सेब को चुना और 2007 में मुझे इस पे सफलता मिली। मैं अब तक भारतवर्ष के 38 राज्यों में लगभग 4,85,000 पौधे रोपित करवा चुका हूँ और 6 विदेशी देशों में भी मिलेगी यकीनन। ए डी सी साहब यूनिवर्सिटी के प्रयास बोलते हैं, ए डी सी साहब ने प्रयास किया है, इन्हीं के यूनिवर्सिटी में प्रयास बोलते हैं। अक्सर ये लोग चुप रहते हैं जो किसान लोग हैं, ठीक है, अक्सर ये लोग चुप रहते हैं मगर खेती बाड़ी में, पशुपालन में, बागवानी में, मछली पालन में और रेशम कीट पालन में यूनिवर्सिटी की तकनीक और इन्हीं के ओनर बोलते हैं। अंत में गर्व से कहो हम किसान हैं, जन जन की जान है, माँ भारती की शान है, साथ में यूनिवर्सिटी की पूरी टीम, बीजी साहब हमारे पर बहुत बहुत मेहरबान है। गांव प्लाटा केवीके सुंदर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से। वैसे तो मैं 2010 से लेकर 2014 तक 5 साल तक विदेशों में रहा और अच्छी सैलरी थी, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं एक किसान परिवार से था तो मन में इच्छा थी कि आखिर खेतीबाड़ी का ही काम करूं। तो 2014 में जब मैं घर आया तो सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर के वैज्ञानिकों से मिला। उनके मार्गदर्शन में मैंने, जब उन्होंने मेरे को बताया कि आज का जो समय है वो तकनीक का समय है तो आपको पॉली हाउस फार्मिंग से शुरू करना चाहिए, इसमें अच्छा पैसा भी है और मेहनत भी कम है, तो मैंने उनके मार्गदर्शन में 2017 में पहला पॉली हाउस लगाया। आज मेरे पास लगभग 2000 स्क्वायर मीटर के 4 पॉली हाउस। गाँव कुफरी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से हूँ। मेरा मैं बी कीपिंग से संबंधित हूँ। मैंने 2011 में केबीके बिजौरा से ट्रेनिंग ली थी इसकी, उसके बाद मैंने 10 बक्से से इसका काम शुरू कर दिया। 10 बक्से के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये बढ़ते गए और आज मेरे पास लगभग 250 बॉक्सेज है और इससे मुझे लगभग 4 से 4.5 लाख इनकम हो रही है। धन्यवाद डॉक्टर उपाध्याय। मंचा सिंह
परम आदरणीय डॉक्टर हरिंदर कुमार चौधरी जी, कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के संवैधानिक अधिकारीगण, डॉक्टर एमएम सिंह डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, मिस्टर वी के सूद स्टेट ऑफिसर, डॉक्टर सुरेश गौतम जी लाइब्रेरियन, डॉक्टर वी के गुप्ता जी एसडब्ल्यू, मिस्टर गुरमीत सिंह जी कंट्रोलर, मैडम अनीता सिंह जी डीन कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज, डॉक्टर कटारिया डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, डॉक्टर सतीश पाल जी डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, डॉक्टर वी के वत्स डायरेक्टर रिसर्च, विभिन्न विभागों के आए हुए विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, गैर शिक्षकगण, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों से आए हुए किसान भाई बहन कृषि दूत के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में, डॉक्टर हृदयपाल जी पत्रकार बंधु नमस्कार, और आप सबको हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्योत्सव के 50वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये हमारे कृषकों की आय 2022 तक डबल दुगनी हो और इस तरह कृषि पशुपालन और बागवानी के बारे में राष्ट्र में एक बहुत बड़ा मंथन आजकल हो रहा है और हम सब लोगों को ये आशा है, उम्मीद है कि उस मंथन से बहुत अच्छा अमृत निकलने वाला है और कृषि कृषकों की ये दशा जो है ये बहुत जल्दी सुधरने वाली है। बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं और इसको आप संयोग कहें या कोई देन कहें कि जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राजत्व स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा हो, 50 साल पूरे किए हो और उस प्रदेश के में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके उच्चस्थ पद पर कुलपति के पद पर उसी विश्वविद्यालय के छात्र जो हैं वो सेवारत हैं कुलपति के पद पर। यही नहीं, मैं आपसे एक और साझा करना चाहूँगा। आप जानते हैं, सभी जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी तो बहुत ऊंचे पदों पर हमारे छात्र जो हैं इसी विश्वविद्यालय के छात्र आज के 50वीं वर्षगांठ पर भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। DDG क्रॉप साइंसेज ICR डॉक्टर TR शर्मा जी और चेयरमैन कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस डॉक्टर विजय जी राष्ट्रीय स्तर की पर जो हैं वो हमारे हिमाचलवासी सेवाएं दे रहे हैं। मैं इस मौके पर आप में और मुख्य अतिथि के बीच में ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं माननीय कुलपति परमादरणीय डॉक्टर हरिंदर कुमार चौधरी जी से आग्रह करता हूँ, मैं उन्हें पूर्ण आदर भाव एवं सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें और हमें आशीर्वाद दें। धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, क्यों ना पूजें इस माटी को जो जीवन का सुख देती। आपने उपकार फिल्म का वो गाना मेरे आने से पहले सुना, मेरा ही मंतव्य था कि आज इस गाने को लोगों को सुनाया जाए। चौथी कक्षा का मैं छात्र था जब मैंने अपनी माता के साथ पहली बार कोई फिल्म देखी और उपकार फिल्म का ये मनोज कुमार की जी फिल्म जब मेरे देश की धरती सोना उगले सुनकर के ऐसी एक जागृति अंदर से पैदा हुई कि
देश के प्रति एक अलग भाव अंदर प्रकट हुआ। अभी राष्ट्रीय स्तर पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाषण देते हुए मैंने इसका उपयोग वीडियो के माध्यम से किया, अपने भाषण का इसको अंग बनाया, जिसकी सभी ने सराहना की कि हम भूल चुके थे उस उपकार फिल्म। वो वक्त था जब लोगों को जागृत किया जाता था कि खेती सर्वोत्तम है, इसे अपनाओ, आगे बढ़ो। आज हम उस कगार पर खड़े हैं जहां COVID-19 पेंडेमिक जैसी महामारियां हमें तंग कर रही हैं, मानवता को एक चुनौती दे रही हैं। और यही मार्ग, कुछ वक्ताओं ने पीछे कहा, यही मार्ग हमें अपनाना होगा, यही जीवन का आधार होगा। आपने देखा, सुना, पढ़ा और अपनाया। आज इस मंच से जब हम 50 वर्ष अपने इस राज्य के मना रहे हैं, मैं हिमाचल प्रदेश की उत्कृष्ट एवं प्रेरणा स्रोत कृषि दूत जो हमारे बीच में विराजमान है, वह सभी 12 जिलों के कृषक, कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति व माननीय राज्यपाल परम श्रद्धेय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश परम श्रद्धेय श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष एवं सभी माननीय सदस्य, हिमाचल सरकार के सभी पदाधिकारी, प्रदेश में और विदेश में बैठे सभी हिमाचल के 12 जिलों के वासी, हमारे संविधिक अधिकारी, वैज्ञानिक, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स, समस्त कर्मचारी वर्ग, पूर्व कुलपति, सेवा निवृत्त कर्मचारी, हमारे सभी वर्तमान व भूतपूर्व विद्यार्थी, आज मैं विद्यार्थियों को यहाँ इस सभागार में मिस कर रहा हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। इसीलिए हमने आज एक लिंक जोड़ा है कि हमारे विद्यार्थी जहाँ भी बैठे हैं, चाहे विश्वविद्यालय में हैं या बाहर हैं, हमारी एक मजबूरी रही है कि हम 200 से सीमा नहीं लांघ सकते, तो अपने विद्यार्थियों को वहीं रहने की सलाह देकर उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों का यहीं से मैं आह्वान करता हूं और भूलूंगा नहीं पूर्व मुख्यमंत्री व विश्वविद्यालय के सृजनहार श्री शांता कुमार जी को, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की संरचना की। हमारे साथी जॉइंट डायरेक्टर IPR, मेंबर प्रेस एंड मीडिया, इन सबको आज हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण जयंती पूर्ण राजत्व दिवस पर कृषि विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आज 50वें पूर्ण राजत्व वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर देश के पर्वतीय एवं अन्य राज्यों में अग्रणी रहने हेतु प्रयत्नशील है, हम उस राह पर अग्रसर हैं। हमारी विविधता रही है परिधानों में, खाद्य पदार्थों में, भोजन में, संस्कृति में। इसके मैं कुछ उदाहरण दूं, हमेशा मैं इन चीजों से जुड़ा रहा हूं अपने स्कूल के समय से। हमेशा एक चर्चा रहती थी स्कूल में, जब 1971 की बात थी, जब ये पूर्ण राजत्व हमें मिला, तो मैं चौथी कक्षा का छात्र था एक प्राइमरी स्कूल में,
और एक हमारा होड़ लगी रहती थी कि पहले हमारे जिला 10 होते थे, फिर महासू को हटा करके तो सोलन बनाया और उन्ना और हमीरपुर को शामिल किया गया, 12 जिले बने। तो सभी हमारे 10 विद्यार्थी हम उस क्लास में हुआ करते थे, चौथी कक्षा में बहुत कम छात्र उस स्कूल में थे। तो हमारी होड़ रहती थी कि कौन जो है जल्दी से जल्दी 12 के 12 जिलों को के नाम जो है वो गिना सकता है। उस चौथी कक्षा की वो जो रट्टा मैंने लगा रखा था वो आज भी मुझे याद है, 12 के 12 जिले मैं चंद सेकंडों में आपको जो है सुना सकता हूँ। कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, किन्नौर, ऊना, मैनपुर, सोलन। ये मेरी चौथी कक्षा का है, यहाँ थोड़ा स्पीड मेरी स्लो रही, कहीं टेस्ट भी आप ले सकते हैं, ये सोए सोए भी मैं बोल सकता हूँ। जब इन जिलों को मैं याद करता हूँ, इधर उधर मेरे जो एग्जाम्पल लोग देते कि वो जिले सुनाओ, तो इधर उधर गांव में भी मुझे लोग छेड़ते कि जिले उससे सुनो। जब मैं इन जिलों के नाम लेता तो जिलों का ध्यान आता कि ये जिले जो है कहाँ हैं और इन जिलों में अंतर क्या है, एक जिला से दूसरे जिला में क्या अंतर रहता है, हम विभिन्न क्यों हैं, क्यों ऐसा करना पड़ा कि जिला का नाम रखना पड़ा। फिर नाम की बात आई जो डॉक्टर मनदीप ने कही, तो उसमें मैं जब देखता कि ये बोली में हमारे में फर्क है, परिधान में हमारे में फर्क है, धाम में हमारे में फर्क है, खान पान में हमारे में फर्क है, बाकी इंसान तो एक जैसे ही हैं, उसमें तो पूरे विश्व में कोई फर्क नहीं। जैसे मुझे उस वक्त से एक बड़ा अच्छा लगता था, स्कूल के समय से ही बिलासपुर के लोग जो यहाँ पर हमारे मित्र उत्कृष्ट किसान जो आए हैं वो इसका मजा लेंगे। बंदलीरी धारे तू सीधी का जो खड़ूटी, चिट्टे चिट्टे बदल आ रहा चादरों तू ढकी लंबा कुंड कटी ले। जस्ट इमेजिन कैसे जो है चीजों को जोड़ा जाता था। वो बंदली की धार जो है वो वहां का वातावरण बनाती है और उसको एक गाने के रूप में डिपिक्ट किया जाता रहा है। कांगड़ा में आया वो ललारिया, एक बिल्कुल गाने का तरीका ही अलग है। भला वो साधु जोगिया, चंबा चले जाएं तो चंबेरे चौगाना तेरा डेरा कुंजुआ, कितना मशहूर गाना रहा। जब ये गाना बजता है तो हृदय के तार जो है हिल जाते हैं। माए दी मेरी चंबा कितनी क दूर, ये आप सब ने सुना होगा। आज इसको मॉडर्नाइज भी किया जा रहा है, मैंने मॉडर्नाइज वे में भी आपने भी सुना होगा, मैंने भी कई जगह सुना। मंडी की याद आती है तो राजे दिए बेड़िए सौकनी तू मेरी, लाहौल स्पीति के लोग नाराज ना हो जाएं, कोई वैसे रिप्रेजेंटेटिव तो यहाँ नहीं है, डॉक्टर क्रोफा अगर हो तो वो देख सकते हैं, हमने तो किसान भी बुलाए थे लेकिन अब मौसम साथ नहीं दिया तो उसमें वो आ नहीं सकते। भाई साजी केलांग का सेला, मैं लाहौल स्पीति 5 वर्ष रहा, शुरू की मेरी जो नौकरी थी वो 5 वर्ष लाहौल स्पीति हुकुम सेरी हरेक हुकुम सेरी में रही। तो केलांग में अगर पहली बार बिजली लगी, वहाँ उसकी जो केलांग का हेडक्वार्टर था डिप्टी कमिश्नर का, उसको उन्होंने रंग किया तो उसको गाने के रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया। हमारी खेती में विविधता आप देखिए, क्या कांगड़ा जिला ऊना में हो सकता है? नहीं। आप देखिए बिलासपुर जिमीकंद के लिए मशहूर है, अगर उसी जिमीकंद को उठाकर यहां लगाएंगे वो स्वाद वहां पर नहीं आएगा। ये जिमीकंद के लोग जानते हैं, जिमीकंद जो उगाते हैं जो खाते हैं। बंदली री धारा रे मां, ये बंदली के इधर इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं
हरिवंश शर्मा और दूसरे सभी बिलासपुर के लोग इसको जानते हैं। करसोग और चंबा के कुल्थ, बरोट के राजमा, सिरमौर का अदरक, बायले की बासमती, ये सुंदरनगर के पास है बायला जगह जो है, रोड़ू के लाल चावल, चंबेली हाछी कुकड़ी, चंबेरा रुमाल, कुल्लूरी शाल, सांगला लौंड का काला जीरा, पांगी की ठांगी, पालमपुर क्यों पीछे रहे, कांगड़ा पालमपुर की चाय, ये ऐसा विविधता यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में है, ऐसी विविधता दूसरे प्रदेशों में बहुत कम पाई जाती है। इस तरह से हिमालय एक खजाना है पूरे विश्व के लिए, ये पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व। हमारे कुछ मित्र यहाँ प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती उसकी बात कर रहे हैं, प्रदेश सरकार भी सजग है, भारत सरकार भी सजग है कि हम उस राह पर चलें कि बीमारियां ना फैलें, हमें ये फर्टिलाइजर का यूज ना करना पड़े। गलती कहाँ होगी? साइंटिस्टों ने तो बहुत अच्छा काम किया था, पैकेज प्रैक्टिसेस बहुत अच्छा बनाया था, तो हमारी मिस्टेक कहाँ होगी, गलती कहाँ? आप ध्यान दें, अगर उस पैकेज प्रैक्टिसेस को अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है 10 टन फार्म यार्ड मैन्योर जो है आपने 1 हेक्टर में लगाना है। पहली लाइन ये है कि आप 10 टन जो है उसमें फार्म यार्ड मैन्योर लगाएंगे, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल आप करेंगे। हमने उस लाइन को भूल गए, उस लाइन को काट दिया और हम थोड़ा लालची हो गए और हमने एनपीके जो है उसको पकड़ लिया कि बोरी खोली और छटा दे दिया। धीरे धीरे हमने जमीन को सर्वनाश किया। और अगर कहीं आज भी हम उस प्रक्रिया को लागू करें और अपनी जमीन में 10 टन फर्टिलाइजर बहुत होता है, काउडंग 10 टन कहां से लाओगे? 10 टन जो FIM अगर आप दे देते हैं तो ये NPK आपकी जमीन को खराब करने वाला नहीं। आज भी हमारे साइंसदानों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे से पहले और हमारे साथ आज जो काम किया है वो आज भी हमारी प्रैक्टिस वैसी की वैसी है। हम आज भी कहते हैं, उसका दावा करते हैं कि आप कम से कम पहले FIM तो लगाओ। अगर FIM ही नहीं लगाएंगे और सीधा NPK पर जाएंगे तो वही हाल होगा जो बठिंडा में हुआ है, जहां कैंसर ट्रेन चलती है तब हाल फिर वही होगा। धीरे धीरे जमीन जो है वो केमिकल में बदल जाएगी, आपका पानी उसमें वो आना शुरू हो जाएगा और बीमारियों का प्रकोप आपके सामने है। इन प्रक्रियाओं से गुजर करके हमने थोड़ा अपनी जमीन का नुकसान किया, लेकिन फिर भी हिमाचल खाद का इस्तेमाल करने में सबसे पीछे है। यहाँ हमारे किसान भाई खादों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का की तुलना करें तो। इस विश्वविद्यालय ने 50 वर्ष पूरे हो रहे जा रहे हैं, हो गए। इन 50 वर्षों में हमने क्या किया? हमने भी तो 42 वर्ष कार्य किया। मैं कहता हूं कि हम भारत सरकार के, ICR के, DST, DVT, CSR और दूसरी सभी फंडिंग एजेंसीज, हिमाचल सरकार के बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने इस हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को सींचा। और आज मैं दावा करता हूं कि 3.5 लाख हेक्टेयर जो जमीन इस वक्त गेहूं के अंतर्गत है, 3 लाख हेक्टेयर जो हमारा जो मक्का है, 70,000 हेक्टेयर जो हमारा जिसमें राइस लगता है, ये इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 80-90% हमारी ही किस्में लगती हैं। आप डाटा देखकर देख लीजिए
आप किसानों से, किसान मेरे से सहमत होंगे, यहाँ पर जो हमारे प्रगतिशील और उत्कृष्ट किसान जो बैठे हैं, कि 3.5 लाख हेक्टेयर में मुझे बता दें कहाँ पर दूसरा गेहूँ लगता है। कोई गलती करेगा, अपनी मर्जी से लेकर आता है, छुटपुट ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन सभी हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किस्में ही वहाँ लगती हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ये प्रदेश के 50 वर्ष पूरे होने पर हमारा एक क्रेडिट है, ये सभी ने मिलकर किया है। इसके अलावा कितनी ही तकनीकें हमने दी, सैकड़ों तकनीकें एग्रीकल्चर के लिए, वेटरनरी के लिए, हमारे दूसरे होम साइंस के लिए, हमने ये अचार की और बड़ियों की जो बात सुमनलता ने कही, 450 क्विंटल का इन्होंने जो है वो जो है दलिया बना करके बेच दिया। बताइए 450 क्विंटल बोलना आसान होता है, और इन्होंने, हमारी बहन ने बड़े धीरे से कहा 450 क्विंटल, 450 क्विंटल बहुत मात्रा होती है। कितना बड़ा काम इन्होंने किया, प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से पता लगा ऐसा दलिया बनता है, कहाँ से पता लगा इस तरह से हो सकता है, इस कृषि विश्वविद्यालय की देन है। हमारे सभी वैज्ञानिक, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने किसानों के साथ मिलकर के ऐसे हीरे पैदा किए, जिनके अंदर जज्बा था, आपने उसको थोड़ा सा रंग दिया और आज जो है वो हीरो बन करके हमारे बीच में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को वो छू रहे हैं। देखिए हरिमन शर्मा जी को, देखिए परमाराम चौधरी जी को, नड्डा जी को, और दूसरे हमारे साथियों को, ये अजय रतन जी को, जिनका FAO की पब्लिकेशन में नाम आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रदेश का नाम होगा, माध्यम आप होंगे और करेंगे। उस विविधता का प्रदर्शन हुआ कि बिलासपुर में किस तरह से काम हो रहा है, कांगड़ा में कैसे हो रहा है, हमीरपुर में कैसे हो रहा है, और मंडी में कैसे हो रहा है, सिरमौर में कैसे हो रहा है, कोई किस मिशन से जुड़ा, कोई किस मिशन से जुड़ा, लेकिन ये किसान का मिशन जो है सर्वोपरि है, इससे बड़ा कोई मिशन नहीं। ये किसान के मिशन से जुड़ना बहुत जरूरी है। हमारे इस विश्वविद्यालय ने आज तक जो मुझे डेटा मिला है, 8600 विद्यार्थियों को शिक्षा दी। अगर मैं मौजूदा हमारे विद्यार्थी 1600 को जोड़ दूं तो ये 10,000 का आंकड़ा पार कर सकता है। 10,000 बच्चे यहां से पढ़कर के अफसरान बने। आज आपके कृषि निदेशालय में एक छोटे स्तर से लेकर के AEO से लेकर के निदेशक तक जो ऊपर बैठे हैं, ये सब यहीं की देन है, इसी विश्वविद्यालय की देन है। इसी विश्वविद्यालय ने उनको शिक्षा दी, इसी विश्वविद्यालय ने, जो हमारे पंकज शर्मा जी ने कहा, रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि ये तीसरा नेत्र खुलता है, इससे जो है आपको सोचने की शक्ति पैदा होती है। वो कृषि शिक्षा की शक्ति किसने दी, इस विश्वविद्यालय ने। अगर किसी प्रदेश का भला चाहते हो तो वहां पर विश्वविद्यालय खोलो, वो विश्वविद्यालय आपके सामने है। हम कृषि शिक्षा देने के लिए सक्षम हैं, हम वैश्विक स्तर की शिक्षा यहां पर जो है वो दिए जा रही है। हमारे बच्चे यहां तक सीमित नहीं, वो विश्व भर में भ्रमण कर रहे हैं, विश्व भर में काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिनका आपको मालूम ही नहीं, मैं सबकी टोह ले रहा हूं। धीरे धीरे सभी विद्यार्थियों को जो उच्च स्तर पर बैठे हैं, इस विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जाएगा और हम एक नया आयाम पैदा करेंगे। हम सब मिलकर के पूरे विश्व को दिखाएंगे कि इस हिमालय की गोद में स्थित इस हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या वो कृषि के क्षेत्र में ताकत है जो पूरे विश्व को हिलाकर रख। आज वही काम जो अमेरिका में हो रहा है, वो हमारे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में हो रहा है।
वो टेक्नोलॉजी जो वहां पर है वो हमने यहीं पैदा कर दी। किस ताकत से, उस पढ़ाई की ताकत से, उस शिक्षा की ताकत से हिमाचल प्रदेश का जन जन के अंदर वो ताकत है जो विश्व के किसी व्यक्ति में नहीं, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। हमें कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। जब से हम स्कूल लेवल से यहाँ तक पहुँचते हैं हमने कई मुश्किलातें देखी हैं जो कि दूसरे में भी मान नहीं देते कि हमारे ये साइंसदान और हमारे ये बच्चे जो ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कृषि में और मेधावी बन करके आगे आ रहे हैं, ये किसी ऋषि मुनि महात्मा से कम नहीं। आज वो ऋषि मुनि महात्मा जो हम देखते थे उस काल में, वो जंगलों में रहते थे और वो पूजा किया करते थे और उन्होंने गुरुकुल चला रखे थे, वहां पर सभी बच्चों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। तो वही प्रक्रिया आज विश्वविद्यालयों में हो रही है। आप वो महात्मा हैं, आप वो कृषि ऋषि हैं जो वो शिक्षा जो है अपने इन बच्चों को दिए जा रहा है। वही ताकत आज ये बोल रही है। इस जज्बे को साथ लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा और बढ़ रहा हूं। हम किसी से पीछे नहीं, हम टीसा में बैठ कर भी वो काम कर सकते हैं जो अमेरिका में हो रहा है। सिर्फ हमारी नियत साफ होनी चाहिए, हमारे अंदर वो राष्ट्र प्रेम और प्रदेश प्रेम और इस माटी की जो सुगंध है उसके प्रति वो ताकत पैदा करिए, वो जज्बा पैदा करिए कि हम ये काम करके छोड़ेंगे। जैसे डॉक्टर मनदीप ने कहा कि वो पत्थर भी कर जाते हैं, ये आपकी विश्वविद्यालय भी वो रौनक लाएगा। ये मेरा मानना है और मेरा विश्वास है। आप इन 3 वर्षों में ये बदलाव देखें, अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, अभी तो बाकी 2.5 साल बाकी। इन 2.5 वर्षों में क्या होगा, आने वाले वक्त में मैं एक पूरा क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला हूं। आप मेरा साथ दीजिए, ये वक्त दोबारा शायद ना आए। मैंने जो इस विश्वविद्यालय से ग्रहण किया है वो लौटाने आया, अब लेने नहीं, मैं लौटाने आया। जो कुछ सीखा है वो देकर जाऊंगा। हम क्लीन ग्रीन कैंपस बनाना चाहते हैं, इसके लिए कई कड़े नियम हैं, उन नियमों को हमें उनका पालन करना होगा। हर कॉलेज को हमें एक नजर से देखना, जहां कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए हम उनको कोसेंगे नहीं, उनको जागृत करेंगे। कोसना बहुत आसान होता है, किसी को ऊंचे स्वर में कहना बहुत आसान होता है, करके दिखाना बहुत मुश्किल है। आइए हम उनका, उन बहनों का भी साथ दें और उनके मनोबल को ऊंचा करें। इस कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस को भी एक सर्वोत्तम कॉलेज बनाएं, वो भी हमारा एक 4th कॉलेज है। इसी तरह से कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज के अंदर नए आयाम पैदा करें, ताकि उसके अंदर भी दूसरे डिग्री कॉलेजों में के तुलना में एक फर्क नजर आए और लोग जो है इस तरफ आने के लिए अग्र। मैं चाहता हूं कि डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, इसमें मैं कल अपने मन में सोच रहा था, एक कमी हमारी रही जो कमी हम पूरा करेंगे। एक वाइस चांसलर की तरफ से इनको ये जो हमने उत्कृष्ट एवं प्रेरणा स्रोत कृषि दूत का इनको तमगा दिया है, ये एक सर्टिफिकेट के माध्यम से इनके घर पहुंचना चाहिए। उस सर्टिफिकेट को ये अपने घर में लगाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो लोग दूसरे भी जागृत होंगे। और जो कसम मैंने खाई है कि किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र और दूसरे रिसर्च सेंटर्स में मैं एक एक बार जाऊंगा, दूसरी बार इन किसानों के खेतों में ही मिलूंगा। जमीन पर बैठकर हम चर्चा करेंगे इन किसानों से। जब हम इन मंचों पर विराजमान होते हैं तो किसान अपने हृदय को कभी आपके साथ साझा नहीं करते। हालांकि ये किसान वो हैं जिन्होंने दुनिया देखी है, इनके अंदर वो ताकत पैदा हुई है, ये मंच पर आकर के कुछ स्वर में बोले, ये बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर इस मंच के कारण नहीं बोलते हैं। जब हम इनके खेत में इनके साथ बैठेंगे और
सुमलता के वहां पर 450 कुंतल का दलिया बनता हुआ देखेंगे और वहां बात करेंगे तो ये अपने हृदय का दर्द आपसे वहां बयान जरूर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और आने वाले वक्त में मैं आपके अब खेतों में मिलूंगा। ये साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स सब पीसीए ध्यान रखें कि आप किसान का खेत ढूंढ लीजिए। अब एचके चौधरी आपको किसान के किसान खेत तो नहीं मिले। आपके पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी आपकी याद हो चुकी है, उनके टिप्स पर है किस तरह से वो इंतजाम करना है। तो ये इंतजाम मैं चाहता हूँ जन जन में जाए, चप्पे चप्पे में पहुंचे, ताकि हमारा किसान इतना सज हो जाए कि उसको पैकेज प्रैक्टिस हमारा खोलना ना पड़े। मगर ये 10 टन फार्म यार्ड यार मैंने और जो ना भूलना, उस लाइन को ना भूलना, वो बहुत जरूरी है। तभी आपका एनपीके जो है निकंद के अंदर जो बिलासपुर में वो जुखाड़ा और दूसरे क्षेत्रों में लगा रहे हैं, आओ हम इनके साथ मिलकर के उन घाटियों के नाम रखें, नामकरण करें, और हम उस क्षेत्र के इस नाम से नहीं, हम उस फसल के नाम से उसको जाने। लहसुन घाटी, जिमीकंद घाटी, बासमती घाटी, इस नाम से हम जान करके उसको एक पहचान पूरे विश्व में दें। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टास्क फोर्स मैंने ऐसे नहीं बनाई, इसकी जरूरत है। पिछले बजट भाषण में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने ये कहा कि इनका जीआई हमें लेना है। प्रत्येक कृषक का हो सही विकास इन राइट डायरेक्शन, यहां संपूर्ण भी हो सकता था, पर संपूर्ण मैं नहीं, संपूर्ण आप नहीं। संपूर्ण कौन है? संपूर्ण सिर्फ परमपिता परमात्मा है, संपूर्ण कोई नहीं। इसलिए मैंने कहा कि सही विकास, आओ पहले सही विकास को करें, राइट डायरेक्शन उसको दें। ऐसा ना हो कि एक किसान जो है वो मशरूम की खेती करना चाहता है और आप उसको गेहूं में झोंक दो। ऐसा ना हो कि एक किसान काला जीरा में करना चाहता था, आपने उससे सेब की खेती करवाना शुरू कर दिया। नहीं, जहां जिस क्षेत्र की में जिस चीज की जरूरत है आप उस पर फोकस करिए। निश बेस्ड रिसर्च आपका ध्येय होना चाहिए। सीबक थॉर्न में भूल गया शर्मा, आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला है जापान के अंदर। होकाइडो नॉर्थ ऑफ जापान जो है, होकाइडो बहुत ठंडा है, वहां पर सालमन फिश होती है। पूरा विश्व जानता है कि सालमन फिश क्या होती है और सालमन फिश कहाँ होती है। तो क्यों ना हम अपने इन धरोहर को जो छुपी हुई है इन हिमालय में और हम बैठे हैं उसकी गोद में, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी मेहनत होगी कि अगर हम इस खजाने को वहां से निकालें और निकाल करके उसको पहले प्रोटेक्ट करें फिर पूरे विश्व को बताएं। जो चीजें वहां पर इस्तेमाल होती हैं, बनक्षा का इस्तेमाल कैसे होता है और क्यों किया जाता है, ये आप उस वयोवृद्ध व्यक्ति से जाकर पूछिए जो वैद्य बन करके उस गांव में रहता है। चले जाएंगे वो लोग, आज हम 50 वर्ष मना रहे हैं, इसके बाद डायमंड जुबली होगी, 75 वर्ष में क्या प्रारूप होगा 25 वर्ष के बाद आप देख लीजिए। बहुत सारे लोग हम यहां नहीं होंगे। आज से 25 वर्ष के बाद ये ऐतिहासिक दिवस है, जितने लोग यहां बैठे हैं ये इतिहास रचा जा रहा है, ये ऐतिहासिक दिवस होगा क्योंकि हमारे पास सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये उस दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कौन कौन यहाँ व्यक्ति थे और क्या क्या वादे यहाँ पर किए गए थे, वो वादों को याद किया जाएगा। 25 वर्षों के बाद क्या प्रारूप होगा ये आने वाली नस्लें देखिए। हमारे बंधु सिरमौर से आए राकेश जी, इन्होंने हरे कृष्णा मिशन की बात की जिससे ये जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने गीता का वहां पर बात कही। गीता का मैं भी उपासक रहा हूं राकेश जी, और मैं गीता की धुरी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मते संगो वस्तु विकर्मणि, कर्म किए जाओ कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो उस पर छोड़। आप परमात्मा का दीदार करोगे अगर आप सही मायने में अच्छी नीयत के साथ इन किसानों के हित में, इस माँ के हित में, जिस माँ से हम रोटी ले रहे हैं, जिस माँ से हम तनख्वाह ले रहे हैं,
जिस माँ से, जो माँ हमारे परिवार को सींच रही है, इसके लिए अगर हम तन्मयता से, साफ हृदय से, अच्छी नीयत से अगर हम काम करेंगे, तो आप पल पल उस परमपिता परमात्मा को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। आप रोज उसको महसूस करोगे अपने चेहरे की खुशी से, अपने घर की समृद्धि से। मैं चाहता हूँ कि आओ हम अपने किसानों को रूढ़िवादी कृषि से नहीं, नवानवेशों से परिपूर्ण कृषि को उद्योग बनाकर धन धान्य से संपन्न करें। और आने वाला ये जो समय है, जो अगले 25 वर्ष में देख रहा हूँ, ये डायमंड जुबली जब मनाई जाएगी, तो ये कृषि विश्वविद्यालय किस धर्रे पर खड़ा होगा, मैं उसकी कल्पना आज इन 3 वर्षों में करके उसके लिए आधार बनूंगा। आप सबका सहयोग चाहिए, देख लीजिए आपका सहयोग जितना हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। डॉक्टर उपाध्याय, सर्वप्रथम सभी उपस्थित सज्जनों को पूर्ण राजस्व की स्वर्ण जयंती की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। मुझे यहाँ पे अवसर प्राप्त हुआ ये धन्यवाद प्रस्ताव देने का, जिसके लिए मुझे एक गर्व की फीलिंग आ रही है। स्पेशली मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे गर्व फीलिंग इसलिए आ रही है कि शायद बहुत कम लोग होंगे इस हॉल में जिन्होंने प्रथम जो स्टेटहुड डे था वो शायद देखा हो, लेकिन उन लकी लोगों में मैं डॉक्टर एच के चौधरी जी का, जिन्होंने सबसे पहले हमें आइडिया दिया इस दिन को इस तरह से सेलिब्रेट करें, और फिर जो इनके विचार हैं, जिनसे हमें हमेशा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ये कृषक हितैषी हैं। जिस दिन से, पहले दिन से इन्होंने ज्वाइन किया है, ये सबसे ज़्यादा बात जो होती है कृषक के बारे में करते हैं, फार्मर्स का उत्थान कैसे किया जाए, उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उसके बारे में ही इनका हर वक्त सोच रहती है। वैसे तो हमारे जो कृषक भाई बहन, जो हमारे कृषक दूत यहाँ आए हैं, इनमें 2-3 ने आते ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्सिटी में घुसते ही कितना चेंज इन्हें देखने को मिल रहा है। वो सारे का सारा श्रेय हमारे कुलपति महोदय को जाता है, जिन्होंने अपनी सोच के कारण और अपने इन विचारों के कारण एक लक्ष्य बना लिया है कि कैसे इस यूनिवर्सिटी को और तरक्की पे लेके जाएंगे, कैसे हमारे कृषकों को तरक्की की राह पर लेके जाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, हम सबको आशीर्वाद दिया और मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो कृषि दूत हैं, खास तौर पे सुबह मुझे कुछ हमारे किसान भाई बहनों ने कहा कि धन्यवाद आपने हमको बुलाया। मैंने कहा धन्यवाद आपका जिन्होंने यहाँ आके हमें सम्मानित किया, हम आपको सम्मानित नहीं कर रहे, आपके यहाँ आने से हमें सम्मान मिला है। आप लोग हमारे कृषि दूत हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे प्रचार, अच्छा काम करते हैं आप लोग, तो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम भी होता है, प्लस हमें भी सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारे जो साइंटिस्ट कुछ कर रहे हैं वो आप उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं, उसको चेंजेस भी ला रहे हैं और उसका प्रदर्शन भी हो रहा है। आप सब यहाँ आए, बहुत दूर दूर से आए हैं, सिरमौर से भी आए हैं, बहुत दूर का क्षेत्र है सिरमौर, और बाकी दूसरे ज़िलों से भी आए हैं, आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे स्टैचुरी ऑफिसर का धन्यवाद करना चाहूँगा जो किसी ना किसी तरह से जहाँ जहाँ हमें इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में, कंप्लीट करने में मदद की ज़रूरत पड़ी, उनसे मिली है। ख़ास तौर पर बोलना चाहूँगा एस्टेट ऑफिसर को, ये कुछ बिहाइंड द सीन लोग होते हैं जो कि जब हमें ज़रूरत पड़ी
कल लगभग सारा दिन इनका स्टाफ हमारे साथ था। किसी ना किसी तरह से चाहे वो कृषि दीर्घा का उद्घाटन हो, चाहे वो ऑडिटोरियम की तैयारी हो, इनका हमें लगातार साथ मिलता रहा। फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी, आप सबके हम आभारी हैं आप यहाँ आए। कईयों को लगता होगा कि छुट्टी का दिन है, घर होना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से ये छुट्टी के दिन से ज़्यादा बड़ा दिन है। हमें इस तरह से अपने हिमाचल प्रदेश का जो स्वर्ण जयंती मनाने का अवसर मिला। खास तौर पे और धन्यवाद सारे केवी केस के जो टीसीज हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए हैं और बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं। और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन भी करूंगा, बधाई भी दूंगा कि आपने इतने अच्छे फार्मर्स सेलेक्ट किए हैं जिनके जो कि आगे चल के सभी के लिए मार्गदर्शक बने हैं और बन भी सकते हैं। स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा अपने म्यूज़ियम के स्टाफ की, एक्सटेंशन के स्टाफ की, डॉक्टर विशाल डोगरा, मिस्टर राकेश चंदेल, डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर लवभूषण, डॉक्टर दीपिका, ये थ्रू आउट प्रोग्राम में ऑन द टोज रहे। काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे हमें ये पता लगा था कि कृषक दीर्घा बनने जा रही है। एक बार तो जिसको कहते हैं हाथ पैर फूल गए थे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से केवीके वालों ने रिस्पांस किया, जिस तरह से हमारे एक्सटेंशन के स्टाफ ने रिस्पॉन्ड किया, तो ये सारा पॉसिबल आज आपको कहीं नहीं लगेगा कि कोई हमारे उसमें कृषक दीर्घा में कहीं कोई कमी पेशी रही है। लेकिन सारा ये स्टाफ हमारा जो दिन रात पोज पे था, कल सारा दिन ये स्टाफ यहाँ रहा। एक एक चीज़, और इसमें मैं फिर मेंशन करना चाहूँगा एस्टेट ऑफिस के जो भी बिल्कुल लोअर स्टाफ से लेकर टॉप स्टाफ तक, देवर ऑन टोज, देवर अवेलेबल टू अस, चाहे छोटी सी बिजली का पॉइंट लगाना है, चाहे छोटा सा कील भी गार्ड में फोटोज लगाने को, तो ये लोग लगातार काम करते हैं। सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू जो हमारे पत्रकार बंधु आए थे जिन्होंने बहुत अच्छी कवरेज की है हमारे प्रोग्राम की, हमेशा करते आए हैं, उम्मीद करते हैं आगे भी करते रहेंगे। डॉक्टर हृदयपाल दो तरह से हेल्प करते हैं, एक तो प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह कवर किया, प्लस एक आर्टिस्ट होने के नाते इन्होंने जितना अच्छा फोटोज़ कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है, कब लगानी है, वो सारी चीज़ छोटी छोटी गाइडेंस हमें देते रहे। He deserves a special mention. And Kunal Sood, from day one, जब मुझे लगा फोटो कैसे प्रिंट होंगी, हो जाएंगी, लगेंगी कैसे, लग जाएंगी, तो एक जो ये आती है हम लोगों कहीं से भी ऑप्शन की, बस देर इज समवन जो कह रहा है मैं कहाँ फंसूंगा, कहता जी आप कहीं नहीं फंसोगे, हम हैं, ये काम हो जाएगा, तो आपको ये काम करने में काफ़ी सपोर्ट मिलती है। थैंक्स कुणाल। इसके अलावा किसी का अगर मैं नाम भूला हूँ उसको भी थैंक्स, जितने लोग हॉल में प्रेजेंट है सबका थैंक्स। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा इस समारोह में हिस्सा बनने के लिए आप सबका धन्यवाद। और ऐसे धन्यवाद नहीं, मुझे लगता है कि ये ऐसे जो सौभाग्यशाली दिन हैं ये हमें हमेशा ही मनाने चाहिए। हमारे ऑनरेबल डीसी साहब ने भी कहा आज एक फंक्शन हुआ है, 25 साल के बाद फिर जो होगा क्या चेंज आया, शायद अगले प्रोग्राम उससे अगले प्रोग्राम जब हम सबका हिस्सा बनेंगे तो हमें ग्रेजुअली पता भी लगता रहेगा कि हम किस तरह से तरक्की कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।